हेलो चिल्ड्रन, हम आपके लेसन नंबर टू में हैं, द मिसिंग विसल। मिसिंग का मतलब गुमी हुई और विसल का मतलब सीटी। विसल विस्टल नहीं बोलेंगे, विसल। विसल का मतलब सीटी। आफ्टर लंच, लंच का मतलब होता है दिन का भोजन। किसकी सीटी गुमी है, कहां गुमी है, यही हमको जानना है इस कहानी में। आफ्टर लंच, दिन का भोजन करने के बाद, पिगलेट वेंट टू सी रैबिट। पिगलेट पिगी का बच्चा, यंग वन ऑफ पिग, सुअर का बच्चा, उसको पिगलेट बोला जाता है। ठीक है, तो आफ्टर लंच ये देखिए पिगलेट, इस तरह से इसको पिगलेट बोलता है। ठीक है, आफ्टर लंच पिगलेट वेंट टू सी रैबिट। दिन का भोजन करने के बाद पिगलेट खरगोश से, रैबिट से मिलने गया। कम इन, रैबिट कॉल्ड। रैबिट ने कहा अंदर आ जाओ। पिगलेट ट्राइड टू गो इन, उसने अंदर जाने की कोशिश की, बट ही कुडंट ओपन द डोर, वो दरवाजा खोल ही नहीं पाया, पूरी ताकत लगा दी फिर भी। पिगलेट पुश्ड एंड पुश्ड, बार बार पिगलेट धक्का दे रहा है, पुश यानी धक्का देना। एट लास्ट द डोर ओपन, दरवाजा खुल गया, एंड ही फेल इनसाइड। कोई दरवाजे को आप जोर जोर से धक्का दे रहे हो, दरवाजा खुल नहीं रहा है, ताकत लगा के आपने दरवाजा खोला, आप ही भड़बड़ा के अंदर गिर गए। तो वो जल्दी से ऐसे ही उसने धक्का लगा के खोलने की कोशिश की, और जब पूरी ताकत लगाई तो खुद ही अंदर गिर गया। व्हाट अ मेस, ही सेड लुकिंग अराउंड, चारों तरफ देख के बोला क्या मेस, कितना फैला के रखे हो सामान को, क्या हुआ। रैबिट वॉज सर्चिंग थ्रू अ ड्रॉर, ड्रॉर देखे बेटा अलमेरा में या टेबल के नीचे, ऐसे खींचिए तो एक ड्रॉर होता है जिसमें आप सामान अरेंज करके रखते हैं। तो एक ड्रॉर में कुछ रैबिट खोज रहा था। आई हैव लॉस्ट माय विसल, मेरी सीटी गुम गई है। ही टोल्ड पिगलेट, उसने पिगलेट को बताया। पिगलेट आई हैड इट दिस, आई ही टोल्ड पिगलेट आई हैड इट दिस मॉर्निंग बट आई कांट फाइंड इट नाउ, आज सुबह मेरे पास मेरी सीटी थी, अभी मुझे मिल नहीं रही है। I'll help you look for it, said Piglet. Piglet बोलता है, ठीक है चलो मैं मदद करता हूं, तुमको तुम्हारी सीटी मिल जाएगी। So, Piglet looked under the table, under the stool, while Rabbit searched through the cupboards. Piglet ने टेबल के नीचे देखा, छोटे से स्टूल के नीचे देखा, नहीं मिली। इधर रैबिट जो था वो कबर्ड, कबर्ड यानी आलमारी, आलमारी में रैबिट खोज रहा है। अब क्या हुआ, ब्रदर आई कांट फाइंड इट एनीवेयर, ग्रम्बल रैबिट। रैबिट शिकायती लहजे में, ग्रम्बल यानी कंप्लेन, शिकायत करते हुए बोला, अरे भाई मेरी सीटी कहीं नहीं मिल रही है। व्हेन ही टर्न अराउंड, जब वो पीछे मुड़ के देखता है, ही कुडंट फाइंड पिगलेट आइदर, इधर पिगलेट भी गायब हो गया। अब पिगलेट कहां चला गया, डू यू नो वेयर पिगलेट इज, आपको मालूम है पिगलेट कहां था। Where are you? He asked. Rabbit पूछता है तुम कहाँ हो? I am here, Piglet बोला, मैं यहाँ। Scrambling out of the pile of the things, pile का मतलब ढेर, ढेर के बीच से scramble करते हुए बड़ी मुश्किल से निकल के आया Rabbit, Piglet, और बोलता है कि मैं तो यहाँ था। Rabbit एक एक सामान ऐसे खोज रहा था और फेंकता जा रहा था पीछे एक के बाद एक, और उसी ढेर में पिगलेट भी दब गया। स्क्रैम्बलिंग आउट ऑफ द पाइल ऑफ द थिंग्स रैबिट हैड थ्रोन ओवर हिम, सामान खूब सारा उसके ऊपर फेंक दिया था, पिगलेट उसी में दब गया था। आई डिडंट फाइंड द विसल, ही सेड, पिगलेट बोलता है मुझे भी नहीं मिली सीटी। वेल वी हैड वीड बेटर टाइडी अप नाउ एंड हैव सम टी, सेड रैबिट, अब तो इस सामान को जमा देना चाहिए, बहुत फैला लिए और चाय वाय पी लें, थक गए हैं। ही पिक्ड एवरीथिंग अप, हर चीज उसने उठाई, एंड पुट देम इन द कबर्ड, हर चीज को उठा के अलमारी में रखने लगा। पिगलेट को भी उठा के अलमारी में रख दिया।
रैबिट अभी डिस्टर्ब है. रैबिट फेस्ट अ बाउल ऑफ पोहा ही हैड मेड. जो पोहा उसने बना के रखा हुआ था वो पोहा निकाल के लाया. दैट स्मेल्स नाइस सेड पिगलेट. पिगलेट ने कहा वाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है. क्लाइंबिंग आउट ऑफ द कबर्ड. कबर्ड में उसको रख दिया था. कबर्ड से उतर के आया और बोलता है खुशबू बहुत अच्छी आ रही है. रैबिट वॉज ईटिंग द पोहा. रैबिट पोहा खा रहा था. वेन ही बिट ऑन समथिंग हार्ड. खाते समय उसको ऐसा लगा कुछ कड़ी चीज उसके दांतों के नीचे आई. माय विसल ही क्राइड. मेरी सीटी. इट वॉज हाइडिंग इन द पोहा ऑल द टाइम. लाफ्ड पिगलेट. पिगलेट हंसने हुए बोला कि ये तुम्हारी सीटी पूरे समय पोहे के अंदर छुपी हुई थी और तुम पूरे घर का सामान बिखरा रहे थे. तो ये कहानी थी मिसिंग विसल. एक बार ऐसे ही समझते हैं. आपका ध्यान मेरी ओर किताबों की तरफ नहीं देखना है. खरगोश अपनी गुमी हुई सीटी ढूंढ रहा है. घर की एक एक चीज उसने फैला के रखी है. एक एक अलमारी खोल के रखी है. सामान निकाल के इधर उधर रख रहा है. ड्रॉअर खोज रहा है. इधर उधर झांक रहा है. कहीं उसको उसकी सीटी नहीं मिल रही है. उसी समय पिगलेट आया घर में. धक्का मारा घर को कमरे को दरवाजे को. किसी तरह से अंदर घुसा गिरते हुए. और वो देखता है क्या है तुमने क्यों अपना घर फैलाया है. तो वो बताता है कि भाई मेरी सीटी गुम गई है. रैबिट ने बताया और सीटी गुमी हुई है मिल नहीं रही है इसलिए मैंने सब फैला के देख रहा हूँ. पिगलेट बोलता है ठीक है चलो मैं भी मदद करता हूँ. दोनों सीटी खोजने लगते हैं. रैबिट हड़बड़ी में सीटी खोज रहा है. सामान निकाल निकाल के फेंक रहा है. उसी सामान के नीचे पिगलेट भी दब गया. अब रैबिट बोल रहा है मुझे नहीं मिल रही है सीटी. पिगलेट तुम कहाँ. पिगलेट भी नहीं मिल रहा है. पिगलेट बड़ी मुश्किल से कब सामान के ढेर से बाहर आया कि मैं यहां दब गया था. मुझे भी नहीं मिली सीटी. थक गया रैबिट. बोलता है चाय पीते हैं चलो अब सब सामान को जमा देते हैं. सामान जमाने गया. पिगलेट को भी उठा के अलमारी में बंद कर दिया. मतलब अलमारी में रख दिया. पोहा निकाला. पोहे की खुशबू आई. पिगलेट उतर के आया अलमारी से नीचे. बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. दोनों ने पोहा खाना शुरू किया. रैबिट पोहा खाते खाते उसको लगा जैसे उसके मुंह के अंदर कोई कड़ी चीज आई. देखता है तो सीटी. मेरी सीटी तो यहाँ है. पिगलेट बोलता है पूरे समय पोहे में तुम्हारी सीटी छुपी हुई थी. तो ये थी स्टोरी मिसिंग मिसल की जिसमें था एक पिगलेट और एक रैबिट. आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. टिक द करेक्ट आंसर्स. व्हेन पिगलेट कुड नॉट ओपन द डोर. जब पिगलेट दरवाजा नहीं खोल पाया ही knocked at the door, दरवाजे को खटखटाया. pushed the door, दरवाजे को धक्का दिया. kicked the door, दरवाजे को पैर से मारा. went back, वापस चला गया. आप बताएंगे. yes. second, piglet went to see the rabbit. piglet rabbit से मिलने गया. before lunch, खाने के पहले. before breakfast, नाश्ते के पहले. after lunch, खाना खाने के बाद. after dinner, रात के खाना खाने के बाद. देखिए आपके बुक में है. रैबिट लॉस्ट हिज व्हिसल. खरगोश की सीटी गुमी थी. एट नाइट रात में. इन द इवनिंग शाम को. एट नून दोपहर में. इन द मॉर्निंग सुबह. आप बताइए आपके लेसन में. तो इस तरह से मैं समझती हूं कि अच्छी तरह से आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे. कर लीजिए. अपने टीचर्स को दिखाइए. हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में. थैंक यू.